हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 15, गवर्नमेंट की जो सरकार है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड एंड देन एक्सप्लेन. तो पेंसिल ले लीजिएगा, जो हार्ड वर्ड्स लगे उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा. आवर कंट्री इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, जो भारत है, वो एक लोकतंत्र देश है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है. एल्डर्स डू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द होम. जैसे बड़े लोग जो घर के बड़े होते हैं, जैसे दादाजी हैं या पापा हैं, वो क्या होते हैं, घर का पूरा कामकाज देखते हैं. मतलब कितना खर्च है, क्या पैसे आ रहे हैं, कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो पूरा मैनेज करते हैं. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री इज़ डन बाय द गवर्नमेंट. उसी तरीके से सेम जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो सरकार देखती है. वी हियर द वर्ड गवर्नमेंट इन डेली न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और इन कन्वर्सेशन. हम ये जो गवर्नमेंट वर्ड है वो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं, टीवी न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो, और बातचीत में भी कई बार हम सुनते हैं. गवर्नमेंट इज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन. जो सरकार है वो डिसीजन लेती है देश को चलाने के लिए. गवर्नमेंट वर्क इन द प्लान वे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो गवर्नमेंट है वो एक प्री प्लान उनका पूरा होता है सिस्टम, और उसी हिसाब से वर्क करती है ताकि देश का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके. इट मीन्स विकास. Keeping constitution in mind for nation, reformation and implementation is done by the government. अब अपना जो संविधान है जिसमें सारे रूल्स बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसको ध्यान में रख के और देश का विकास हो तो कई रिफॉर्म्स करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं. कई ऐसे रूल्स लाते हैं जिसमें देश का विकास हो सके और उन नियमों को लागू करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाई पीपल. तो जो हमारी सरकार है वो किन के द्वारा बनाई जाती है, देश की जनता के द्वारा वोट किया जाता है, और जिस लीडर को या जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो सत्ता में आती है. तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट को लेके, जैसे विधानसभा में सत्रोनो आज थी प्रारंभ, मंगलवार रेल लेखानो, स्वर्ण गरीबों माटे 10%, इस तरीके के कुछ न्यूज़ जो ये हमारा जो डेली लोकल न्यूज़पेपर है उसमें प्रिंट होता है. GST ये सब कौन लागू करता है, सरकार करती है. सीइंग द अबाउट पिक्चर वी कैन नो द अबाउट वेरियस फंक्शन डिसीजन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये ऊपर का पिक्चर, ये एडवर्टाइजमेंट देख के हमें पता चलता है कि सरकार का जो काम काज है वो किस तरीके से है, किस तरीके से वो करती है. वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रीडिंग डेली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स. तो हम डेली का जो न्यूज़पेपर है टेलीविज़न में सुनकर, देखकर, या जो न्यूज़पेपर में पढ़ के हमें ये पता चलता है कि सरकार किन किन क्षेत्रों में काम करती है. डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लोगों से, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए. इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट होल्ड्स द फॉरमोस्ट प्लेस. तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में गवर्नेंस जो है, जो सरकार है वो सबसे सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है, एक मतलब फॉरमोस्ट प्लेस है उनका एक. तो डियर, आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कि और सरकार जो है, अपने देश की सरकार जो है, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं. ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.